हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज आपसे बात करने वाला हूं रेल बजट 2022 को लेकर के। क्या अनाउंस हुआ, क्या बातें हुई, सादे शब्दों में एक चर्चा को जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जब से रेल बजट के ऊपर वीडियोज बना रहा हूँ तब से एक बात उस वीडियो में हर बार बोलता हूँ कि अब जब से रेल बजट फाइनेंस बजट के साथ जो है इंक्लूड होना स्टार्ट हो गया है, तब से नई ट्रेनों की अनाउंसमेंट होनी बंद हो गई है। पहले रेल बजट में नई ट्रेनों को अनाउंस किया जाता था, रेलवे क्या क्या फीचर लेकर के आ रहा है, उन सब बातों के ऊपर जो है चर्चा की जाती थी। बट अब ऐसा नहीं होता है, अब बस बहुत ही जेनरिक अनाउंसमेंट्स होती हैं दिया जाता है। बट इससे हम क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं वो भी चर्चा करेंगे, और क्या क्या बातें बोली गई बजट के अंदर वो भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ जाएंगे, मतलब कि थोड़ा सा हम इंटरप्रिटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये हमारी जो है अप्रोच रहने वाली है वीडियो की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के, मोस्ट हॉट टॉपिक प्रेजेंट में इंडियन रेलवे के लिए। देखिए, बजट में अनाउंस हुआ है कि अगले 3 सालों के अंदर 400 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारतीय रेलवे की पटरी पर दौड़ना शुरू कर देंगी। हालांकि इसके ऊपर क्लैरिटी ये नहीं दी गई है ये 400 वंदे भारत कौन सी होंगी, मतलब कि ये इंडियन रेलवे की होगी या प्राइवेट फर्म्स की होगी, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकती है। बट देर विल बी 400 वंदे भारत, मतलब कि एक चीज साफ होती है कि अगले 3 सालों के अंदर इमेजिन कर सकते हो इंडियन रेलवे को कंप्लीटली ऑटोमेटिक डोर वाली कैटेगरी के अंदर, जहां पे विंडो सीट की कोई रेलेवेंस नहीं होगी या गेट की कोई रेलेवेंस नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें तो बंद हो जाएंगी। खैर, जोक्स अपार्ट, वंदे भारत की बात अब छिड़ी है तो एक छोटी सी बात आउट ऑफ द बजट बता देता हूँ। हावड़ा रांची वंदे भारत को चलाने की जो है एक्सपेक्टेशन, मतलब जो ईस्टर्न रेलवे है उसने अपनी जो है इच्छा व्यक्त करी है, अप्रूवल के लिए भेजा है। होपफुली बहुत जल्दी ये जो है अप्रूव हो जाए एंड इस साल के मिड में आपको जो है एक वंदे भारत ईस्टर्न रेलवे में चलती हुई दिख जाए। ठीक है, चलिए अगली चीज़ की बात करते हैं, वो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को लेकर के। जब मैंने बजट के अंदर इस चीज़ को सुना तो एक बार को मुझे लगा कि स्टेशन रिलेटेड कोई पॉलिसी होगी जो कि स्टेशन को डेवलप करने में काम करेगी, बट ऐसा दोस्तों नहीं है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से मतलब है लॉजिस्टिक रिलेटेड। देखिए, पिछले 2 या 2 साल के बजट के अगर मैं कंपेयर करूँ तो रेलवेज का जो ज़्यादा ध्यान है वो अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को ग्रो कराने में है, एज कम्पेयर टू उसके पैसेंजर सेगमेंट को। कि पैसेंजर सेगमेंट तो फिर भी फीडबैक से ग्रो कर सकता है, या जो मतलब वो ऑलरेडी एक अच्छे पेस पे चल ही रहा है, बट ज़रूरत है फ्रेट वाले सेक्शन को ग्रो करने की, क्योंकि मेजर इनकम तो वहीं से आ रही है। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब है कि एक स्टेशन को फेमस कर दिया जाएगा उसके एक प्रोडक्ट के लिए, वहाँ से उसी टाइप के प्रोडक्ट का जो है वो होता है एक्सपोर्ट होता है या माल ढुलाई होती है, आप यूँ कह सकते हैं। जैसे कि नागपुर के संतरे, ठीक है, मनवाड़ के अनार, या एक्स वाई जेड कोई भी आप प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, तो यहाँ से वो जो है ये जाता है, इस चीज़ को उसको फेमस कर दिया जाएगा या उसको एक प्रोडक्ट बना दिया जाएगा। और इसके अंदर जो चीज़ें इंटीग्रेट की जाएंगी आने वाले वक्त में वो इस कुछ इस प्रकार होंगी। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, आपको अपना कुछ सामान जो है लेकर के जाना है, दिल्ली से मुंबई लेकर के जाना है। अब अगर आपको रेलवे से लेकर के जाना है ना, तो आपको वो कंटेनर खरीदना पड़ता है पूरा, या तो आप पार्सल सर्विस लोगे। अब पार्सल सर्विस के अंदर अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आप मालगाड़ी से लेकर के जाना चाहते हो जो कि कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है, तो उसके अंदर अपनी प्रॉब्लम है कि यार इतना पर किराया नहीं है देने को, जितनी बड़ी वो मिनिमम जगह देंगे, मतलब पूरा कंटेनर देंगे। तो रेलवे इसको भी सॉल्व करेगा, और वो कह रहा है कि हम छोटे प्लेयर्स जो छोटे एमएसएमई वगैरह हैं उनको भी जो है इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं, और वो भी रेलवे का इस्तेमाल कर सकेंगे अपने सामान को लेकर जाने में। तो ये वो आने वाले वक्त में कुछ प्रोडक्ट्स जो है अनाउंस करेगा, जिससे ये सब भी चीज़ें आएंगी। दोस्तों इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कवच। कवच एक टाइप का एंटी कोलिजन डिवाइस है, इंडियन रेलवेज की खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, दो ट्रेनों को आपस में भिड़ने से बचाती है ये। तो इसको लेकर के जो है बजट के अंदर थोड़ी बातें की गई, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये एक टाइप का, जैसे मैंने आपको बताया, एंटी कोलिजन डिवाइस है जिसका एरर रेट जो है वो एक एरर है 10,000 साल के अंदर, मतलब आप सोच सकते हैं कितनी, 0. बहुत सारे 0.1%। ठीक है, इसको कहा गया कि भारतीय रेलवे के अंदर इसको लेकर के आया जाएगा। 2,000 किलोमीटर के नेटवर्क के अंदर कवच नाम की टेक्नोलॉजी को जो है कवर अप किया जाएगा, और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रीमियम लेवल की और एक नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है कि इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की हाई स्पीड रेल्स को, जो कि सोचो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। खैर, इसके साथ साथ एक केपेक्स,
यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट अलॉट होता है 1,37,000 करोड़ का भारतीय रेलवे के अंदर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कि रेलवेज के बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर जो है कवर हो सकते हैं, और जो उसके पेंडिंग पड़े होते हैं उसका भी काम कर सकती है। मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन थी इस बजट में, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह को लेकर के, मतलब प्राइवेट रेंस वगैरह को लेकर के आ सकती थी, बिकॉज 2022 बिल्कुल सर पे खड़ा है, थोड़े टाइम में उनको रोल आउट होना ही है। तो उसके ऊपर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। मे बी हो सकता है फ्रॉम रेल मिनिस्टर लेवल हमें ऐसा कुछ जो है सुनने को मिल जाए आने वाले थोड़े वक्त के अंदर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना काफ़ी है एक रेल बजट को लेकर के, क्योंकि पहले वाली बात अब नहीं रही जिसमें हम बहुत सारी चर्चा करते थे। बट कुछ एक्सपेक्टेशन थी, कुछ रूमर्स थे अभी भी कि जैसे यूपी में इलेक्शंस है तो उसको लेकर के कुछ अनाउंसमेंट हो सकती हैं, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लेट्स सी रेल मिनिस्टर की तरफ से अगर कोई बुलेटिन वगैरह आता है या प्रेस रिलीज आती है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, यूपी में कुछ स्पेशल ट्रेन वगैरह चलाई जा रही है, नहीं चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, लव यू ऑल।